हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द वाइटल कर्स को। अगर आप ऐसे ही मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मूवी की स्टार्टिंग एक फॉरेस्ट से होती है, जहाँ पे हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं, प्रिंसी, इलियाना और जैक। ये तीनों पार्टी से लौट रहे होते हैं, लेकिन घर जाने के लिए ये अपना रास्ता बदल देते हैं। वे जंगल से जाने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें एडवेंचर चाहिए होता है। और वे जंगल से जा ही रहे होते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। तभी हमें स्क्रीन पे एक बड़ा सा हाथ दिखाया जाता है, जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं। इन सबसे अनजान वे तीनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हमें उनके पीछे से एक क्रिएचर आता हुआ दिखाई देता है। वो क्रिएचर लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। प्रिंसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, तो जैक से पूछती है। जैक बोलता है कि उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वे वहाँ से भागने लगते हैं। तीनों भागते भागते बार बार घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते थे जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। इस बात से वे काफ़ी परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ से वे भाग रहे हैं बार बार वहीं पे आ जा रहे हैं। तभी उन्हें एक लकड़ी के पीछे से उस क्रिएचर के हाथ दिखाई देते हैं और वे इस सबको देख कर काफ़ी डर जाते हैं। तभी जैक उन्हें बताता है कि जंगल श्रापित है, यानी कि पोजेस्ट है। वे तीनों भागते भागते एक झाड़ी के पास रुकते हैं। उस झाड़ी से प्रिंसी के हाथ पे खरोंच लग जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसी के हाथ में हल्का सा जख्म हो गया था। आगे चलते हुए उन्हें वही क्रिएचर रास्ते में मिल जाता है, जिससे वे फिर से घबरा जाते हैं और तेज़ी से भागने लगते हैं। वो क्रिएचर उनका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते वे एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन क्रिएचर वहाँ भी पहुँच जाता है। वे उसको देख लेते हैं, इसके बाद वे फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वो उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और उसका डोर बंद कर लेते हैं, लेकिन वो क्रिएचर बाहर खड़ा होके डोर पीटने लगता है। अंदर पहुंचने पर प्रिंसी अपना घाव देखती है, तो काफ़ी गहरा होता जा रहा था। इलियाना के पूछने पर प्रिंसी बोलती है कि वो ठीक है। रूम में काफ़ी अंधेरा होता है, इसलिए प्रिंसी वहीं पे टेबल लैंप को ऑन कर देती है। इलियाना ये सब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि लैंप को तो पावर मिल ही नहीं रहा था कहीं से, क्योंकि उसका वायर तो टेबल पर ही पड़ा है। सभी इस बात से शॉक्ड थे कि बिना इलेक्ट्रिसिटी लैंप कैसे जल गया। तभी वहाँ पे उन्हें एक चाबी का गुच्छा मिलता है, जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ था। वो चाबी का गुच्छा हूबहू प्रिंसी के गुच्छे की तरह था, और चाबियाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम थी। प्रिंसी उस गुच्छे को अपनी चाबी के गुच्छे से मैच करती है, तो बिल्कुल उसी की तरह गुच्छा था। ये गुच्छा यहाँ कैसे आया, इसके बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलता है। उस झोपड़ी में ऐसा तो कुछ नहीं मिलता जिससे वे उस क्रिएचर से डिफेंस कर सकें, लेकिन उन्हें एक दीवार पे उस जंगल का मैप मिल जाता है, लेकिन उसे समझ पाना आसान नहीं था। तभी प्रिंसी उन्हें उस मैप को समझा देती है कि ऐसे ऐसे रास्ता है, लेकिन जैक और इलियाना ये सब जानकर हैरान थे कि प्रिंसी को ये रास्ता कैसे पता। तभी जैक को वहाँ पे एक हथौड़ी मिलती है। वो ये देखकर खुश हो जाता है, एटलीस्ट अब उसके पास डिफेंस के लिए कुछ था। वहीं प्रिंसी का जख्म पहले से और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, इसलिए वे वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, जिससे उसे डॉक्टर की मदद मिल सके। लेकिन तभी वहाँ पे सामने उनके वही क्रिएचर आ जाता है, और क्रिएचर से डर के वे फिर से वहीं उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वापस अंदर आने पर उन्हें एक डायरी मिलती है। इलियाना उस डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है। उस डायरी में लिखा हुआ था
कि ये जंगल श्रापित है और मैं इस जंगल में आकर फंस गई। यहाँ की हर एक चीज़ श्रापित है और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ से चोट या घाव लग जाए तो वो एक आदमखोर में बदल जाता है। ये सब पढ़ने के बाद इलियाना प्रिंसी का घाव देखने जाती है, लेकिन प्रिंसी अपना घाव नहीं दिखा रही होती। बहुत फोर्स करने के बाद प्रिंसी अपना घाव दिखाती है। इलियाना जैसे ही घाव को देखती है तो घाव पूरी तरह से सड़ चुका था, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इलियाना ये सब देखने के बाद बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी दोस्त के साथ ये सब हो रहा था, तो वो उसे हमदर्दी दिखाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर प्रिंसी का हाथ एक क्रिएचर में बदल गया होता है। ये सब देखने के बाद जैक और इलियाना बहुत डर जाते हैं और वहाँ से निकल कर भागने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जैक और इलियाना जंगल को पार करके अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंसी को दिखाया जाता है जो कि एक मिरर के सामने बैठी होती है और वो एक क्रिएचर में बदल चुकी होती है, और ये क्रिएचर बिल्कुल वैसा होता है जैसा हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद प्रिंसी को वहीं पे एक डायरी मिलती है। वो उस डायरी में लिखने लगती है कि ये जंगल श्रापित है, अगर यहाँ पे किसी को कोई भी घाव या चोट लग जाए तो वो एक आदमखोर में बदल जाता है। वो ये सब लिख ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंसी तुरंत वहाँ से उठकर बाहर देखने के लिए जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ से उसकी चाबी का गुच्छा ज़मीन में गिर गया है। वो बाहर जाकर देखने लगती है कि कौन है आया हुआ। प्रिंसी पेड़ के पीछे से देखती है तो वहाँ पर जैक, इलियाना और ख़ुद प्रिंसी मौजूद होती है। वो यहाँ पे देखते हैं कि पेड़ के पीछे कौन छुपा हुआ है, जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसका मतलब ये है कि एक तरीके का टाइम लूप चल रहा है जिसमें प्रिंसी फंस गई है, क्योंकि वो पोजेस्ड है, श्रापित हो गई है, और ये टाइम लूप नेक्स्ट डे रिपीट हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये आने वाली हर मॉर्निंग को टाइम लूप इसी तरीके से रिपीट होता रहता है। तो चलिए चलते हैं अब मूवी के क्लाइमैक्स की तरफ। मूवी में जो भी चाबी का गुच्छा दिखाया गया था वो और किसी का नहीं बल्कि पोजेस्ड प्रिंसी का ही था, जो उसके हाथ से गिर गया था जब वो बाहर अपने दोस्तों को देखने के लिए जा रही थी। मूवी के स्टार्टिंग में जो डायरी दिखाई गई थी जिसको इलियाना ने रीड करा था, वो किसी और ने नहीं बल्कि पोजेस्ड प्रिंसी ने ही लिखी थी, जो आगे चलकर इलियाना को मिलेगी। और ये टाइम लूप ऐसे ही हर मॉर्निंग को स्टार्ट होगा और ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।